हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ और जियोमॉर्फोलॉजी की तीन मेन थियरीज। उसमें से हमने पढ़ी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी और सी फ्लो स्प्रेडिंग थियरी। तीसरी थियरी जो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी हम आज पढ़ेंगे। रिकैप में लैटिट्यूड्स के बारे में हमने देखा था, लैटिट्यूड्स आर नथिंग बट इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अर्थ। उसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमने दी थी। लैटिट्यूड की फॉर्मल डेफिनेशन है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी किसी भी प्लेस का इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस बनता है उस प्लेस से हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, उसे हम लैटिट्यूड कहेंगे। उसके लैटिट्यूड के आधार पर हमने अर्थ की थ्री प्रॉपर्टीज देखी थी। एक अर्थ जो है स्फीयर है और अर्थ की स्फीयरिसिटी की वजह से अर्थ पर हीट सरप्लस रीजन बनता है, हीट डेफिसिट रीजन बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है और 23.5 डिग्री, और इस टिल्टेशन की वजह से कुछ जो रीजन है नॉर्दर्न रीजन जो अगर सन से दूर रहते हैं तो वहाँ पे होती है विंटर सीजन, और जो हेमिस्फीयर जो है वो अर्थ से नज़दीक रहते हैं वहाँ पे समर सीजन होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अर्थ के टिल्टेशन की वजह से हमारे अर्थ पे सीजन्स होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी और वो ये थी कि अर्थ जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे जो है रिवॉल्व करती है, और उसकी वजह से अर्थ की है जो चार पोजिशंस बनती हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर होगा तब वहाँ पे एक ऐसा दिन होगा जो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा और उसे हम समर सॉल्स्टिस कहेंगे। जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा और वहाँ पे जब लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा उसे हम विंटर सॉल्स्टिस कहेंगे। दो ऐसी पोजिशन जहाँ पे डे और नाइट की लेंथ सेम रहती है इसे हम इक्विनॉक्स कहा था। स्प्रिंग इक्विनॉक्स स्प्रिंग सीजन में आएगा मार्च में, तो उसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहेंगे। सितंबर में ऑटम सीजन में आएगा, उसे हम ऑटम इक्विनॉक्स कहेंगे, राइट। लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने देखा था, लॉन्गिट्यूड नथिंग बट इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन अर्थ। उसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमने देखी थी, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन और द ग्रीनविच मेरिडियन, राइट। यानी किसी भी प्लेस का प्राइम मेरिडियन से जो एंगल बनता है वो एंगल के हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो वो उस डिग्री का लॉन्गिट्यूड बनेगा, राइट। लॉन्गिट्यूड के दो प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूड हमने देखे थे, इंटरनेशनल डेडलाइन और स्टैंडर्ड टाइम यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंटरनेशनल डेडलाइन में हमने देखा था कि कैसे इंटरनेशनली जो है डेट मैनेजमेंट होता है वर्ल्ड में। इंटरनेशनल डेडलाइन को हम वेस्टर्न साइड पर अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमारा एक दिन लॉस होता है, और हम ईस्टर्न साइड पर क्रॉस करते हैं तो हमें एक दिन गेन होता है, राइट। हमने देखा था कि कैसे ग्रीनविच मेरिडियन से हम इंटरनेशनली जो है टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। किसी भी देश का उसका स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज होता है, फिर उस स्टैंडर्ड मेरिडियन से ग्रीनविच मेरिडियन का डिस्टेंस कैलकुलेट करके वहाँ पे उस कंट्री का जो है स्टैंडर्ड टाइम मिलता है, राइट। हमने ये भी देखा था कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसका जो नेचुरल टाइमिंग है वो हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन से एक घंटे आगे है, और इसीलिए यहाँ पे उनके अलग टाइम जोन, चाय बागान टाइम जोन की डिमांड रहती है। हमने इस इश्यू को देखा था, अभी तक गवर्नमेंट ने उनके डिमांड को अप्रूव नहीं किया है, राइट। हमने पूरा चाय बागान इश्यू इस हिसाब से देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमने देखा था कि काफी सारे एविडेंसेस थियोरी स्टडी करने के बाद सबसे रिलायबल स्टडी थी सिस्मिक वेव स्टडी की। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स को जब इस तरह से प्रपोकेट किया गया तब हमें पता चला कि अर्थ का जो है पूरा इस तरह से इंटीरियर हमें मिला है। हमें पता चला पी वेव और एस वेव के प्रोपोगेशन की वजह से हमें पता चला कि जो फर्स्ट लेयर है अर्थ का बेनेथ दिस कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट जो था ब्रिटल एंड सॉलिड लिथोस्फियर, उसके नीचे का जो लेयर था वो सेमी मोल्टन था, सेमी प्लास्टिक, सेमी लिक्विड में सेमी सॉलिड कह सकते हैं। उस लेयर को हमने एस्थेनोस्फियर कहा। उसके बाद का जो था वो मेंटल था, वो एस्थेनोस्फियर से उसके रॉक ज्यादा डेंसर थे, ज्यादा हैवियर थे, ज्यादा सॉलिड थे। उसके बाद इस लेयर में जिसे हम आउटर कोर कहते हैं वहां पे जो एस वेव था सिस्मिक वेव सेकेंडरी वेव वो पास नहीं हो पाया, इसलिए हम पता चला कि आउटर कोर जो है हमारा लिक्विड है। उसके बाद इनर कोर जो है वहां पे पी वेव की स्पीड सबसे ज्यादा हो गई, इसलिए हम पता चला कि पी वेव ये जो
इनर कोर है वो सॉलिड है, राइट। तो इस तरह से सिस्मिक वेव स्टडी से हमें इंटीरियर के लेयर्स के बारे में पता चला। उसके बाद क्रस्ट पे मिलने वाले तीन मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में हमने जाना और उनकी साइकिल के बारे में जाना। तीन मेन टाइप्स है, इग्नेसियस रॉक, मेटामॉर्फस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक्स। हमने देखा कि किस तरह से मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन और कंडेंसेशन होके इस तरह से इग्नेसियस रॉक बना, और यही इग्नेसियस रॉक अगर फिर से अर्थ के इंटीरियर में चला जाता है तो इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और इसे उस रॉक को हम कहेंगे मेटामॉर्फस रॉक। फिर ये मेटामॉर्फस रॉक और दोनों ही रॉक, इग्नेसियस रॉक, अगर अर्थ के सरफेस पर आएंगे थ्रू अपलिफ्टमेंट या इरोजन एक्सपोज होते हैं, तब उनका होता है इरोजन। इरोजन होने की वजह से इन रॉक्स जो है वो ब्रोकन अपार्ट हो जाएंगे, उनका कन्वर्जन रॉक में से स्टोन, पेबल्स और सैंड के ग्रैन्यूल्स में हो जाएगा। ये सैंड के जो ग्रैन्यूल्स है लेयर बाय लेयर इकट्ठे होते जाएंगे। बॉटम लेयर जो है, ऊपर की जो लेयर उसका वेट जो महसूस करेगा, उसकी वजह से नीचे का लेयर जो है वो कंप्रेस्ड होता जाएगा, कम्पैक्ट होता जाएगा और वो सॉइल का जो है स्टोन बन जाएगा, जिसे हमने कहा था सेडिमेंटरी रॉक्स, राइट। तो इस तरह से पूरी रॉक्स की साइकिल चलती है, फ्रॉम इग्नेसियस टू मेटामॉर्फस टू सेडिमेंटरी, ठीक है। वो हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने तीनों रॉक्स की प्रॉपर्टीज भी देखी थी, तीनों की क्या प्रॉपर्टीज होती है। सेडिमेंटरी रॉक्स में सिर्फ फॉसिल पाए जाते हैं, इग्नेसियस रॉक और मेटामॉर्फस में फॉसिल एविडेंसेस नहीं होते, राइट। हमारी मेन तीन थियोरीज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियोरी और प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी हमने देखा था, वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर जो था वो दुनिया में सबसे पहले था जिसने ये कहा कि कॉन्टिनेंट जो आज जिस जगह पे है वो पहले वहां पे नहीं थे। वहां पे अर्थ पे सबसे पहले एक पेंजिया करके बड़ा सा एक सुपर लैंड मास था, सुपर कॉन्टिनेंट था, और एक ही ओशन था, पैंथराजा। और अराउंड मिड मेसोजोइक एरा के दौरान ये जो पूरा लैंडमास था उसमें टुकड़े हो गए, इट वॉज ब्रोकन अपार्ट, और उसके टुकड़े अलग अलग जगह पे ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए, आज जिस पोजीशन पे पहुंचे वहां पे पहुंचे हैं। तो ये सबसे पहली बात जो है वो अल्फ्रेड वैगनर ने बताई थी, राइट। उसने और भी बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल मास है वो सियाल का बना है, ओशनिक पार्ट है सीमा का बना है, और कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है वो ओशनिक पार्ट पे फ्लोट करता है। लेकिन ये जो पूरी थियोरी थी अल्फ्रेड वैगनर की, उसने काफी सिर्फ डिस्क्राइब किया है, उसने ये बताया कि कॉन्टिनेंट्स पहले टुकड़े हुए अलग अलग जगह पे पहुंचे, लेकिन इसके सिर्फ उसने एविडेंस दिया है कि उसको प्रूफ करना था कि ऐसा हुआ था। लेकिन उसके पीछे जो फोर्स था, क्यों ये सारे लैंडमार्क्स टुकड़े हुए, क्यों अलग अलग जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया, ये वो मैकेनिज्म जो था उसके पीछे का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि जब उसमें बहुत प्रेशर बना कि आप बताइए कि क्यों ये सारे लैंडमार्क्स अलग अलग जगह पे ट्रैवल किए, तब उसने बताया कि शायद ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून जो है उनके पुलिंग की वजह से शायद ये लैंडमार्क्स का टुकड़े हो गए और अलग अलग जगह पे पहुंचे। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून इतने स्ट्रांग नहीं है कि पूरे इतने बड़े लैंडमार्क्स को वो ब्रेक कर पाए और अलग अलग जगह पे पहुंचा पाए, राइट। इवन मैंने ये भी बताया था कि जैफरी करके एक ज्योग्राफर ने ये भी बोला था कि अगर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून इतने स्ट्रांग होते तो अर्थ रोटेट करना ही बंद कर देती, राइट। तो उसकी जो थियरी थी, उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि उसने ड्राइविंग फोर्स जो है वो समझा नहीं पाया। सियाल और सीमा का जो उसका कंसेप्ट था वो भी पुराना था, आउटडेटेड था। हम आज जानते हैं कि किस तरह से हमारे लेयर्स बने हैं, राइट। सियाल और सीमा नाम की जो कंसेप्ट है वो आउटडेटेड हो चुका है। उसके चार एविडेंसेस देख लेते हैं, वो इस थियरी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे उसे बहुत सारे एविडेंसेस दिए हैं, हमें सिर्फ चार याद रख लेते हैं तो बहुत है, बिकॉज मैक्सिमम 20-10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं देखा था मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। उसका सबसे पहला जो एविडेंस था कि कॉन्टिनेंट्स की जो कोस्ट लाइन है, अगर उसको हम इस तरह से एक दूसरे के पास रखें तो एग्जैक्टली वो मैच हो जाती है एज अ ज़िगज़ैग फिट। ये बताती है कि पहले किसी एक लैंडमार्क का वो पार्ट रही होगी और उससे अलग अलग पार्टीशन होके वो आज अलग हुए हैं। उसका दूसरा एविडेंस था, उसने बहुत सारी जगहों के रॉक्स के एविडेंसेस लिए, सैंपल्स लिए, उनको स्टडी किया, एज कंपोजिशन स्टडी की, और उसने देखा कि ये जो रीजन है एक दूसरे से मिलियंस ऑफ माइल्स अपार्ट है, फिर भी
उनके जो रॉक्स है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के रॉक्स हो या ग्रीनलैंड के रॉक्स या वेस्टर्न यूरोपियन रॉक्स, उनमें काफी हद तक सिमिलैरिटी है उनके एज में, उनकी कंपोजिशन में। ये बताता है कि ये पूरा रीजन पहले एक ही लैंडमास का पार्ट रहा होगा, राइट। उसका तीसरा जो एविडेंस था वो था फॉसिल एविडेंस। कुछ ऐसे फॉसिल के एविडेंसेस पाए गए हैं इन दोनों लैंड में से या इन सभी लैंड में से कि वो सिर्फ इसी जगह पे पाए गए हैं और अर्थ में कहीं और नहीं पाए गए। और अगर ये सारे लैंड मासेस आज जिस जगह पे है उस जगह पे होते तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि ये जो इंसेक्ट है इतना छोटा है कि साउथ अमेरिका से अफ्रीका जाने के लिए पूरा वो ओशन तैर के फिर वो अफ्रीका पहुंचता और फिर तैर के इंडिया पहुंचता, वो पॉसिबल नहीं था। दूसरी चीज ये भी पॉसिबल नहीं थी कि ये जो सारे फॉसिल एविडेंसेस जो इंसेक्ट है जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका दोनों ही लैंड पे एक ही साथ एक ही तरह का इवोल्यूशन भी होना एक ही टाइम पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो सारे फॉसिल जो पाए गए यानी कि ये ऑर्गेनिज्म पहले इसी लैंड के लैंड पर रहते होंगे और ये पूरा जो लैंड है एक ही लैंडमास का पार्ट रहा होगा और इसीलिए उनके ट्रैवलिंग पाथ हमें इस तरह से मिलते हैं, राइट। ये था उसका तीसरा एविडेंस। उसका फोर्थ एविडेंस पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। उसने बताया कि जो आज के कुछ लैंडमासेस हैं ये वो आज ट्रॉपिकल हैं, ट्रॉपिकल लैंडमास है, लेकिन उनके सदर्न रीजन में जो है वहां पे ग्लेशियल एविडेंस पाए गए, वहां पे एक टाइम पे जो है ग्लेशियर्स हुआ करते थे। अब अगर आइस एज होता और हम कहते हैं कि आइस एज भी हो सकता है इसीलिए ग्लेशियल एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन अगर आइस एज होता तो यहाँ पे भी हमें ग्लेशियल एविडेंसेस मिलते, लेकिन सिर्फ सदर्न साइड पर मिल रहा है। उसका मतलब ये है कि ये जो पूरा लैंडमास है कभी ना कहीं वो सदर्न पोल के पास में रहा होगा और इसीलिए यहाँ पे पुराने यानी पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। तो ये चार एविडेंस के आधार पर वैगनर ने ये कहा कि एक सुपर लैंडमास था पेंजिया, उसके टुकड़े हुए और अलग अलग जगहों पे जो आज हम हमारे कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, हमारा वर्ल्ड मैप जो है वो आज इसी वजह से बना है। लेकिन उसने मैंने बताया कि क्या फोर्स है जिसकी वजह से ये सारे लैंडमार्क जो उनके टुकड़े हुए अलग अलग जगहों पे पहुंचे, वो उसका मैकेनिज्म नहीं बता पाया था। वो मैकेनिज्म बताया आर्थर होम्स ने, उसने बनाई कन्वेक्शन सेल थियोरी। उसने ये कहा कि जो हमारी क्रस्ट है या लिथोस्फियर है उसके नीचे जो हमारा मेंटल है, मेंटल के अंदर इस तरह के कन्वेक्शन सेल बनते हैं। ये कन्वेक्शन सेल और कुछ नहीं बट मेल्टन रॉक्स है जो इस तरह से जो है वो मूव करते हैं लाइक अ सेल। और इन सेल की अगर राइजिंग लिम्ब है वो राइजिंग लिम्ब इस हमारा जो ये लिथोस्फेयर का जो क्रस्ट है उस क्रस्ट को इस तरह से वो प्रेशर करेगी कि इसको जो है एक दफा उसको ब्रेक कर देगी, राइट। और ये इसके जो डाइवर्जिंग लिम्ब्स है वो डाइवर्जिंग लिम्ब्स उस कॉन्टिनेंट को या उस क्रस्ट को दूर ले जाएंगे एक दूसरे से। तो वैगनर ने जो कहा कि अलग अलग लैंडमास जो है वो एक दूसरे से टूटे कैसे, दूर कैसे हुए, तो उसने ये बताया कि बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन सेल, कन्वेक्शन सेल जब भी नीचे होता है उसके ऊपर की क्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाती है और उसके डाइवर्जिंग लिम्ब की वजह से वो क्रस्ट जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएगी। और उसी कन्वेक्शन सेल का जो कंप्लीशन जहां पे होता है यानी कि ये डिसेंडिंग लिम्ब्स जो है उसके ऊपर की क्रस्ट को एक दूसरे से नजदीक लाती है, उन दो क्रस्ट के बीच में कोलिशन होता है जैसे इंडिया और यूरेशिया का कोलिशन हुआ। इस तरह से कोई भी क्रस्ट जो है अगर वो डाइवर्ज हो रही है तो उसके नीचे होगी राइजिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शन सेल। अगर कोई भी प्लेट एक दूसरे से नजदीक आ रही है तो उसका मतलब है उसके नीचे होगी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शन सेल, राइट। तो ये कन्वेक्शन सेल थियरी से आर्थर होम ने जो वैगनर ने नहीं बता पाया था वो ड्राइविंग मैकेनिज्म जो है उसने बताया। हमारी थियरीज का सेकंड पार्ट जो था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। हमने देखा था कि 1950s में जो ओशनोग्राफर्स या ज्योग्राफर्स ने ये ओशन मैपिंग की तब ओशन के कई सारे लैंडफॉर्म्स उन्होंने स्टडी किए और उन मैपिंग के दौरान उनके सामने तीन क्वेश्चन सामने आए थे जो उनके आंसर उस टाइम पे वो नहीं ले पाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था जब उन्होंने ओशन के सारे रॉक्स की एज उन्होंने स्टडी की तब उन्होंने जाना कि किसी भी ओशन का कोई भी रॉक मिड मेसोजोइक एरा से पुराना नहीं है। मिड मेसोजोइक एरा यानी वही एरा जहां पेंजिया जो है वो ब्रोकन अपार्ट हुआ था।
इसका मतलब ये है कि उससे पहले का ओशन क्रस्ट हमारे आज वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो उन्होंने मिड ओशनिक रिज नाम का जो लैंडफॉर्म फाइंड किया था, उसके मिडल पॉइंट पे यहाँ पे जो रॉक्स पाए गए वो बाकी सारे रॉक से सबसे यंगेस्ट थी एज में। और जैसे ही हम इस मिड ओशनिक रिज से दूर दूर जाते हैं बोथ द साइड्स, तो उनके रॉक्स की एज धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये था कि जो सी माउंट्स या सी हिल्स या गियर्स जो पाए जाते हैं ओशन फ्लोर बॉटम पे, वो जब भी ट्रेंच आती है तब डिफॉर्म या डिस्ट्रॉय क्यों हो जाते हैं? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए थे दो ज्योग्राफर्स, हेनरी हेस और डायट्स। हेनरी हेस और डायट्स ने आर्थर होम की जो कन्वेक्शन सेल थियरी थी उसको यूज करके इन सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। उन्होंने कहा कि जो मिड ओशनिक रिज है, जहां पे हमने देखा कि सबसे यंगेस्ट रॉक पाए जाते हैं, उसके नीचे जो होगी कन्वेक्शन सेल की राइजिंग लिम होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि ये राइजिंग लिम जो ओशन क्रस्ट है उस पर प्रेशर करेगी, उसे ब्रेक करेगी और यहाँ पे जो होगा वल्केनिज्म होगा और मोल्टन रॉक्स यहाँ पे बाहर आएंगे। ये रॉक्स नए रॉक्स होंगे। उसपे ये जो पूरी ओशन की प्लेट है हमारी ओशन क्रस्ट, सॉरी, उस ओशन क्रस्ट को कन्वेक्शन सेल की जो डाइवर्जिंग लिम है उसे, उस ओशन क्रस्ट को इस तरह से स्प्रेड करेंगे, उसे वहां से एक दूसरे से दूर करेंगे। एक दूसरे से दूर होने के कारण यहाँ पे जो स्पेस बचेगी उस स्पेस को फिलअप करेगा यहाँ का वोल्केनिज्म। यहाँ से आए हुए मोर्टल रॉक्स यहाँ पे आएंगे, डिपोजिट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे और ठंडे होंगे। और इसकी वजह से यहाँ पे जो है नया ओशनिक क्रस्ट डेवलप होगा और यहाँ पे जो है ओशन क्रस्ट इस तरह से स्प्रेड होता जाएगा, यहाँ पे नया क्रस्ट जो है ओशनिक क्रस्ट बनता जाएगा। उसने ट्रेंचेस के बारे में ये कहा कि जिस तरह मिड ओशनिक रिज पे यहाँ पे नया क्रस्ट डेवलप हो रहा है, उसी तरह जो ट्रेंचेस है उसके नीचे कन्वेक्शन सेल की डिसेंडिंग लिम होनी चाहिए और उसकी वजह से ये जो ओशनिक क्रस्ट है किसी और प्लेट के साथ कोलिजन होगी, नजदीक आएगी और ये ओशनिक प्लेट है उस कोलिजन की वजह से सबडक्शन हो जाएगा उसका मेंटल में, और मेंटल में बहुत ही हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो जो है मेल्ट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से जो है उसने कहा कि नया ओशनिक क्रस्ट जो है मिड ओशनिक रिज पे डेवलप होता है और ट्रेंच पे जो है ओशन क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, राइट। और इसीलिए हमारे जो तीन क्वेश्चन थे वो भी आंसर हमने कर लिए कि क्यों यहाँ पे यंगेस्ट रॉक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नया क्रस्ट जैसे ही डेवलप होगा फिर वो यहाँ पे पास होता रहेगा, नया रॉक्स बनता रहेगा, इसलिए यहाँ पे यंगेस्ट रॉक है। दूर जाते ही हमें जो है रॉक्स ओल्डर टू ओल्डर होते जाएंगे। ट्रेंचेस पे पूरी जो प्लेट है सबडक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी माउंटेन है, सी हिल्स है, तो वो इस प्लेट के कोलिशन के कारण, नीचे प्लेट जब जाती है तब उसकी कोलिशन के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। और ये पूरी ओशन क्रस्ट की जो साइकिल है इट इज अराउंड 300 बिलियन ईयर्स, यानी कि एक अगर नई प्लेट जो है यहाँ पे क्रिएट होती है उसे पूरा डिस्ट्रॉय होने के लिए अराउंड 300 बिलियन ईयर्स का टाइम लगता है, राइट। और इसीलिए मिड मेसोजोइक एरा जो है वो अराउंड 300 बिलियन ईयर्स पुराना है, तो उससे पहले की जो ओशनिक क्रस्ट है वो इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसीलिए आज हमें कोई भी ओशनिक क्रस्ट 300 बिलियन ईयर्स या मिड मेसोजोइक एरा से पुरानी नहीं मिलती। तो इस तरह से हेनरी हेस और डायट्स ने जो क्वेश्चन उठे थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग और सी फ्लोर मैपिंग के दौरान वो उन्होंने आंसर किए। अब हम चलते हैं हमारी मेन और लास्ट थियोरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये थियरी जो है हमने देखा कि कन्वेक्शन सेल थियरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, उन्होंने एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि कॉन्टिनेंट जो है एक बार टूटे थे, अलग अलग हुए थे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी में सिर्फ सी फ्लोर की बात की गई है, मिड ओशनिक रिज क्या होती है, ट्रेंचेस क्या होती है। लेकिन उन थियरी के बावजूद कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन जो थे वो ज्योग्राफर्स के सामने थे। एक ये था कि हमारे अर्थ पे माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वो क्यों है, किस लिए वो बने, अर्थ पर अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, उनके पीछे का रीजन्स क्या है, अर्थ पर जो है वोल्केनिज्म क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन्स क्या है। तो ये सारे अभी भी जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे वो इस थियरी ने दिए।
ये जो थियरी है वो किसी एक या दो ज्योग्राफर्स का काम नहीं है, बहुत सारे ज्योग्राफर्स, साइंटिस्ट, डिफरेंट डिसिप्लिन्स और जो फील्ड्स हैं उनमें से सारे साइंटिस्ट ने इकट्ठा होकर मिलकर ये थियरी बनाई है। और ऐसा कहा जाता है कि 1960s के दौरान जो भी सबसे बिगेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट थी वो ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी थी। ये थियरी दो बेसिक साइंटिफिक एविडेंस पर डिपेंडेड है, एक हमने देखा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी पर डिपेंडेड है और दूसरा है पैलियोमैग्नेटिज्म, वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था। तो इन दोनों एविडेंस के आधार पर जो है ज्योग्राफर्स ने, साइंटिस्ट ने ये थियरी बनाई। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी। पहले हम जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी, यानी सबसे पहले हम जानते हैं प्लेट्स क्या होती है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है अराउंड 40-60 किलोमीटर उसका ये हाइट होती है, उसके साथ होती है ये ओशनिक क्रस्ट, उसका जो है हाइट अराउंड 1-2 किलोमीटर होता है। उसके नीचे जो अपर मेंटल का ये पोर्शन है जिसे हमने कहा था हार्ड ब्रिटल लेयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों चीज मिलके उनका कंबाइंड नेम दिया गया है लिथोस्फीयर। तो ये जो पूरी लिथोस्फीयर है उसके कुछ चंक्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसे हम प्लेट्स कहते हैं। यानी अगर किसी प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें वो तीनों चीजें होगी, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और नीचे का लिथोस्फीयर, वो तीनों चीज मिलके जो है प्लेट बनती है। और ये प्लेट जो है नीचे जो हमने कहा था सेमी मॉल्टन और प्लास्टिक जो लेयर है एस्थेनोस्फीयर उस पर फ्लोट होती है, राइट। और ये जो लिथोस्फीयर है यानी हमारे लिथोस्फीयरिक प्लेट्स है, ऐसा प्लेट्स ऐसा फर्स्ट जो टाइम जिसने टर्म दी वो था जेटी विल्सन, उन्हें फर्स्ट टाइम प्लेट ऐसा नाम दिया। प्लेट्स जो होती है वो तीन टाइप्स की होती है, एंटायरली ओशनिक होती है, एंटायरली कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, या उसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन की क्रश दोनों ही पाई जाती है। यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं, लेट मी शो यू द बिगर फिगर। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी प्लेट्स है, डिफरेंट कलर्स इंडिकेट्स द डिफरेंट प्लेट, ठीक है। यहाँ पे 6 मेजर प्लेट्स हमारे अर्थ पर पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यहाँ पे सदर्न अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड इंडस्ट्रियल प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट। तो ये जो है 6 मेजर प्लेट्स हैं, उसके अलावा जो छोटी छोटी ऐसी 20 माइनर प्लेट्स हमारे अर्थ पर पाई जाती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। ये फैक्ट्स डायरेक्टली आपको प्रीलिम में नहीं आ सकते, लेकिन इस फैक्ट्स के जरिए आपको ये थियरी समझने में आसानी होगी और ज्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी आपकी। ये जो फैक्ट्स है वो आपको वल्केनिज्म जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें भी काम है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। अब ये फैक्ट्स इस तरह के हैं, जो कि हमारा जो इनर है, इनर कोर, मैंने कहा था वो सॉलिड है, वो एक्चुअली बना है आयन और निकल का। उसके ऊपर का जो हमारा आउटर कोर है जो लिक्विड है वो आयन, निकल और सिलिका का बना हुआ है। और हमारा जो मेंटल है वो एक रॉक्स का बना हुआ है जिसे हम कहते हैं ओलिवाइन रॉक्स। और जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, ओनली क्रस्ट, दिस क्रस्ट, थिन क्रस्ट, वो है वो बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट और एंडेसाइटिक रॉक्स का बना हुआ। और मैं कुछ बताना चाहूंगी, ये जो चार रॉक्स है ओलिवाइन, बेसाल्ट, एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट, उनके मैं कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहती हूँ। मैकेनिकली याद रखिए कैसे ये होता है। ओलिवाइन जो है वो हैवीएस्ट रॉक है, ऑब्वियसली इन चारों में सबसे हैवीएस्ट होगा। मैंने बताया था कि अर्थ पर जो हैवीएस्ट एलिमेंट, जैसे हम डेप्थ में जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो ये रॉक जो है इंटीरियर का रॉक है, तो इन तीनों में से, तो वो इन चारों रॉक्स में से वो सबसे हैवीएस्ट रॉक होगा। ओलिवाइन इज द हैवीएस्ट, बेसाल्ट उससे कम हैवी है, एंडेसाइट उससे भी कम हैवी है, और ग्रेनाइट इज द लाइटेस्ट, ठीक है। इस तरह की उनकी लेयर्स है। ओलिवाइन जो है वो हाईली फ्लूइड, यानी कि ओलिवाइन को अगर गर्म करके मेल्ट किया जाए, सपोज मैं स्टेबल पर उसको गर्म करके मेल्ट करूंगी, तो इतना फ्लूइड होगा कि बहुत ही स्पीड से वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और इसके कंपेयर में अगर मैं बेसाल्ट को गर्म करूंगी तो उसकी स्पीड जो होगी फ्लो होने की उससे कम होगी ओलिवाइन से। मैं आपको इस एग्जाम्पल से वो समझाना चाहूंगी। सपोज आई टेक ओलिवाइन एज अ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जिस स्पेस से फ्लो करती है, और बेसाल्ट को मैं लूंगी पानी, वो किस फ्लो की स्पीड से वो फ्लो करेगी। एंडेसाइट आई विल टेक एज अ हनी, वो अगर हनी को यहां से गिरे, अगर मैं गिराऊं मर्क्यूरी को गिराऊं और पानी को गिराऊं, तो तीनों की जो स्पीड होगी फ्लो होने की वो हम देख सकते हैं कि मर्क्यूरी सबसे फास्टेस्ट होगा, देन द वॉटर,
एंड देन दी हनी. और ग्रेनाइट को मैं कोल्ड वैक्स की तरह लूंगी कि वो सबसे विस्कस है, वो जल्दी जो है फ्लूइड नहीं है वो तब हो पाता, राइट. तो ऑलिव ऑयल जो है सबसे ज्यादा फ्लूइड है, सबसे ज्यादा मोबाइल है, उसके बाद कम मोबाइल बेसाल्ट, उसके बाद कम मोबाइल एंडेसाइट, और उसके बाद ग्रेनाइट. एक और चीज इन चार रॉक्स के बारे में ये है कि ऑलिव ऑयल कुछ टेम्परेचर से ज्यादा अगर उसे मेल्ट किया जाए तो बेसाल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बेसाल्ट उसी तरह एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और एंडेसाइट जो है ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है. जब पूरी थियरी पढ़ेंगे तब आपको इन चारों रॉक्स की जो मैं क्यों बता रही हूँ वो समझ में आएगा आपको. प्लेट्स जो मैंने बताया कि लिथोस्फेयर के छोटे छोटे चंक्स जो है हमें उसे प्लेट्स कहते हैं, वो प्लेट्स जो है अर्थ पर हमारी जो बनी हुई है उनमें इंटरेक्शंस होते रहते हैं. नीचे कन्वेक्शन सेल है, उनकी राइजिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब्स है, इनकी वजह से वो डाइवर्ज होते हैं, कन्वर्ज होते हैं. तो इस इंटरेक्शन की जो टाइप्स हैं उसे तीन टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है. एक है डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी कि दो प्लेट्स जो है एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, अलग जा रही है, तो उसे हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहेंगे. अगर दो प्लेट्स जो है एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे से नजदीक आ रही है, कोलिजन हो रहा है उनके बीच में, तो उसे कन्वर्जन बाउंड्री कहेंगे. अगर दो प्लेट ना ही एक दूसरे से नजदीक आ रही है या दूर जा रही है, लेकिन एक दूसरे सिर्फ पास हो रही है, तो उसे हम ट्रांसवर्स बाउंड्री कहेंगे. सिर्फ स्लिप ऑफ पास होगी, उसे हम ट्रांसवर्स बाउंड्री कहेंगे. सबसे पहला इंटरेक्शन अब हम देखते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री. डाइवर्जेंट बाउंड्री में हमने देखा कि जैसा मिड ओशनिक रीच में होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री तभी डेवलप होगी जहां उसके नीचे कन्वेक्शन सेल का राइजिंग लिंब होगा, और राइजिंग लिंब ऊपर के क्रस्ट को ब्रेक करेगा और दो कॉन्टिनेंट्स को डाइवर्ज करेगा, राइट. तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के नीचे हमेशा जो है एक राइजिंग लिंब ऑफ कन्वेक्शन सेल होगा. ओशन पे अगर ये राइजिंग लिंब ऑफ ओशनिक करंट जो है वो होगी तो हमें मिड ओशनिक रीच मिलेगी, लेकिन अगर कॉन्टिनेंट्स पे होगी तो क्या होगा. हमने देखा ओशनिक क्रस्ट जो है उसके नीचे कन्वेक्शन सेल की राइजिंग लिंब होगी, यहाँ पे वोल्केनिज्म होगा, बेसाल्टिक जो है बाहर आएगा. नीचे इंटरव्यू मैंने कहा था ऑलिव ऑयल रॉक्स होता है, ऑलिव ऑयल रॉक्स जब ऊपर आता है एक टेम्परेचर से ज्यादा उसका मेल्टिंग हो जाता है, और जब बाहर आता है तब वो बेसाल्ट बन जाता है. और बेसाल्ट मैंने कहा जैसे बहुत ही फ्लूइड होता है, बहुत ही आराम से माइल्डली ये पूरा वॉल्केनो जो होता है वो फ्लो करता है, और इस तरह से यहाँ पे वॉल्केनिज्म होता है मिड ओशनिक रिज में, जब मैंने कहा था वहां पे मोल्टन रॉक्स होते हैं, राइट. और इसीलिए ये जो मोल्टन रॉक्स जो है वो बेसाल्टिक है, इसीलिए ये जो पूरा ओशनिक क्रस्ट होता है वो बेसाल्ट से बना होता है. ओशनिक क्रस्ट हमेशा बेसाल्ट से बना होता है. अगर इस तरह के कन्वेक्शन सेल जो है वो अगर लैंड के नीचे जो है वो डेवलप होते हैं तो क्या होता है, यानी कॉन्टिनेंट्स के नीचे होते हैं तो क्या होता है. कॉन्टिनेंट्स के नीचे अगर कन्वेक्शन सेल के राइजिंग लिम्ब इस तरह से प्रेशर कर रहे हैं तो पहले तो यहाँ पे क्रैक्स डेवलप होगी, ठीक है, अर्थक्वेक आएंगे. फिर यहाँ पे वो कन्वेक्शन सेल और भी ज्यादा एक्टिव रहा तो वो कन्वेक्शन सेल जो है उसको इस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट्स को डाइवर्ज करने का ट्राई करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करने का ट्राई करेगा, और बीच में जो है इस टेंसाइल फोर्स की वजह से बीच में जो है एक डिप्रेशन क्रिएट होगा, और इस डिप्रेशन को हम कहेंगे रिफ्ट वैली, ठीक है. ये जो है उसका दूसरा स्टेज. तीसरे स्टेज में ये होता है कि अगर कन्वेक्शन सेल अभी भी एक्टिव रह रहा है तो ये पोर्शन था वो भी कट हो जाएगा और दो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लाइक दिस. तो दो कॉन्टिनेंट्स के पार्ट हो जाएंगे, और बीच में जो जगह रहती है वहां नीचे का ऑलिव ऑयल रॉक्स फिर से बेसाल्टिक रॉक में कन्वर्ट होके यहाँ पे बेसाल्टिक क्रस्ट बनाएगा, और बेसाल्टिक क्रस्ट यानी ओशनिक क्रस्ट, सीका क्रस्ट. और इसीलिए यहाँ इस डिप्रेशन में जब पानी इकट्ठा होता है दिस बिकम अ नासेंट सी. नासेंट सी यानी नया नया बना हुआ सी. यहाँ पे एक छोटा सा सी या वाटर बॉडी इस तरह की डेवलप हो जाती है. फिर भी अगर कन्वेक्शन सेल नीचे का और भी ज्यादा एक्टिव रहा तो ये सीका भी जो है स्प्रेड होता रहता है, क्योंकि बीच में जो बेसाल्टिक इरप्शन हो रहा है वो बन जाता है मिड ओशनिक रिज, जहां पे उसकी बेसाल्टिक इरप्शन होती रहेगी, और दोनों तरफ से ये जो ओशन है स्प्रेड होता रहेगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है. तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे अगर ये कन्वेक्शन सेल एक्टिव है तो ये होता है डाइवर्जन बाउंड्री में. विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी. पहले हमने देखा तीन फेजेस हैं. रिफ्ट वैली क्रिएट होती है पहले,
उसके बाद नासेंट सी यानी नया सी बनता है, उसके बाद अगर वो एक्टिव रहती है तो ओशन बनता है। फिर से इन डिफरेंट डायग्राम इस तरह के कि कन्वेक्शन सेल के डायवर्जन लिम होती है, दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करने का जो उनका ट्राय रहता है, उसकी वजह से बीच में जो डिप्रेशन क्रिएट होता है इस तरह का, उसे हम रिफ्ट वैली कहेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेज में यहाँ पे वॉल्केनिज्म बाहर आएगा, बेसाल्टिक इरप्शन, दो प्लेट्स जो है वो टूट चुकी है, अलग हो चुकी है, और बीच में ओशनिक क्रस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है और एक नासेंट सी बन गया है। तीसरे स्टेज में इस तरह से फुल फ्लेज ओशन बनने की शुरुआत हो चुकी है।